गाइस T800 अल्ट्रा जो स्मार्ट वॉच है वो आने के बाद काफी दिनों तक ट्रेंडिंग में चली थी और उस स्मार्ट वॉच को अभी भी कई लोग परचेस कर रहे हैं। उसके बाद T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच आई, वो भी काफी टाइम तक चली। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो में हम ना तो T800 अल्ट्रा देखेंगे और ना तो T900 अल्ट्रा देखेंगे। और थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि हम कौन सी स्मार्ट वॉच देखने वाले हैं। गाइस तो यही है वो T900 अल्ट्रा का नया मॉडल यानी कि T900 अल्ट्रा मैक्स स्मार्ट वॉच। तो चलिए स्मार्ट वॉच को फटाफट से हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये है T900 अल्ट्रा मैक्स स्मार्ट वॉच का पूरा बॉक्स। सिंपली हमें कुछ इस तरीके से ओपन करना है। सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे मैनुअल पेपर, अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो या तो सर्दियों में जला भी सकते हो। कैसा लगा मेरा मजाक? उसके बाद हमें बॉक्स में यहाँ पे मिलते हैं स्ट्रैप्स जो कि ये ऑरेंज कलर के साथ। इसके जो स्ट्रैप्स है वो हमें काफी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाती है। और उसके बाद हमें यहाँ पे मिलती है अल्ट्रा मैक्स स्मार्ट वॉच, इसे हम बाद में देखेंगे। इसके नीचे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक चार्जिंग केबल। गाइस यहाँ पे ये जो चार्जर का केबल है वो हमें फास्ट चार्जिंग केबल मिलता है। तो अभी हम बाकी सब चीजों को करेंगे साइड में और अपनी स्मार्ट वॉच को सेट कर लेंगे। तो इसे हम यहाँ से हटा लेंगे। सेट भी लेमिनेशन लगा है, इसे भी हम हटा लेंगे। वैसे दिखने में तो सेम टू सेम T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की कॉपी है। देख सकते हैं ये है T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच और ये है T900 अल्ट्रा मैक्स स्मार्ट वॉच। लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स है इसमें काफी डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों की कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे भी हमें एक्शन बटन मिलता है और ऊपर स्पीकर मिल जाता है। और दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन, ये है क्राउन बटन। और बैक साइड में यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमें सेंसर वगैरह दिया हुआ है, इसे भी हम आगे ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्विच ऑन कर लेते हैं। जैसे हम इसे स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें स्मार्ट वॉच लिख के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम एप्पल लोगो भी लगा सकते हैं इस स्मार्ट वॉच में। थीम को चेंज करना चाहे तो इस क्राउन बटन से यहाँ पे हम थीम भी चेंज कर सकते हैं। अगर ऊपर की साइड से स्वाइप करें तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से मेन्यू देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको ब्लूटूथ, टॉर्च, इस स्मार्ट वॉच की डिटेल और मेन सेटिंग के अंदर आना हो तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। और गाइस इसकी जो ब्राइटनेस है उसे भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और रीसेट से स्वाइप करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें शॉर्टकट मेन्यू भी मिलता है। गाइस अगर हम बात करें इसके अंदर फीचर्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें स्टॉपवॉच देखने को मिल जाता है जिसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। और यहाँ से जो आप हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसे ऑन करते यहाँ पे बैक साइड में जो सेंसर है ये ऑन हो जाता है। मुझे तो नहीं लगता ये सेंसर वर्क करता भी होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फोन बुक भी देखने को मिल जाती है और यहाँ से आप जो है टाइमर भी सेट करके यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद जो है गाइस आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड भी देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट करने के बाद इसमें कॉल रिकॉर्ड भी आप चेक कर पाओगे। यहाँ से हम म्यूजिक प्लेयर भी यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के मैसेज को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। एप्स की जो स्टाइल है उसे भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इस एप स्टाइल को हमें डायरेक्ट चेंज करना है तो ये क्राउन बटन को हमें दो बार प्रेस करना है कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं दो बार प्रेस करते ही यहाँ पे हम एप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। गाइस अभी जो हम अपनी स्मार्ट वॉच को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करेंगे उसके लिए जो है सबसे पहले अपने स्मार्ट वॉच पे ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। यहाँ से देख सकते हैं इसका जो नाम है हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। सिंपली हम जैसे यहाँ पे टेप करते हैं, यहाँ पे 198 पे कॉल करूंगा। 198 पे कॉल करते ही हमारे स्मार्ट वॉच में भी कॉल लग जाता है कुछ इस तरीके से। तो इसी कॉल को हम यहाँ से कट भी कर सकते हैं। और गाइस इस वॉच में आप एप्पल लोगो भी सेट कर सकते हो। अभी जो फिलहाल ये कोड मेरे पास नहीं आया है तो अगर आप एप्पल लोगो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। गाइस अगर बात करें इसके बैटरी बैकअप की तो इसे वन टाइम फुल चार्ज करने के बाद आप इसे 3 दिन तक आराम से यूज कर सकते हो। अगर आप इसे कॉलिंग के साथ यूज करोगे तो आप जो इसे 1.5 से 2 दिन तक ही चला पाओगे। और गाइस बात करें वाटर रेसिस्टेंट की तो इसे जो आप थोड़े बहुत पानी में यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसे ज्यादा पानी में डालते हो या तो ज्यादा बारिश में अगर यूज करते हो तो इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। गाइस तो ये T900 अल्ट्रा मैक्स स्मार्ट वॉच अगर आपको पसंद आई हो तो इसके लिए एक लाइक कर सकते हैं। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं T800 अल्ट्रा और T900 अल्ट्रा मैक्स स्मार्ट वॉच का कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए, आपको अगर ये वीडियो देखना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा। गाइस तो मिलते हैं ऐसे ही कई सारे वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।